हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है और आज डेट है 25 जून और दिन है आज वीरवार। और यहां पर जो है मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। ये सेकंड टाइम वाली झाड़ू है, ये फर्स्ट टाइम वाली नहीं है। फर्स्ट टाइम वाली झाड़ू पोछा सब मेरा हो चुका है। वो तो मोस्टली जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है, जब तक धूप का उजाला तक भी नहीं दिखता उस टाइम मैं कर देती हूँ। लेकिन फिर भी उठने बैठने के बाद, बाकी सब तो जब तक सोए रहते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी होता है कि उठ जाते हैं, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि सब सोए होते हैं। उस टाइम मेरा काम निपट जाता है, तो उठने के बाद तो पूरे घर में हलचल होती ही है, तो फिर से वैसा ही मैसी हो जाता है। तो वही सब मैं ठीक कर रही हूँ। और आज दो सब्सक्राइबर्स के बच्चों का बर्थडे है, एक के बेटे का बर्थडे जिसका नाम है दक्ष और दूसरे की बेटी का बर्थडे है, तो उनकी बेटी का नाम है दीपांशी। तो डियर, आप दोनों के बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ जन्मदिन की। और यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने का काम ख़त्म कर दूँगी। पोछा जो है मैं इसके बाद, ऐसा होता है कई बार अगर गंदा मुझे लगे कि ज़्यादा ही किरकिर हो गया है, या नाश्ता करने के बाद अगर मैं सेकंड वाली क्लीनिंग करती हूँ फिर मुझे लगता है कि कुछ बिखर बिखर गया है, फैल गया है, तो फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। वरना इस टाइम में पोछा नहीं लगाती, फिर मैं एक बार पोछा फेरती हूँ शाम के टाइम पे। और यहाँ पर अभी बीच में किसी ने आवाज़ लगा दी थी और ये आए हैं शादी के लड्डू। तो पड़ोस में शादी हुई है भाई, आप भी आ जाओ और लड्डू खा लो। मैं तो लड्डू खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत कम पसंद है, बहुत कम। बेसन के तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ये बूंदी वाले मैं नहीं खाती हूँ। तो लड्डू रख दूँगी, निश्चय के फेवरेट है, निश्चय अक्सर खा लेता है। और बस यहीं से इसके बाद जो है मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। और आज मैं खाना बनाने का काम जो है बाद में ही करूंगी। वैसे मैं क्या करती हूँ ना, दोपहर की सब्जी जो होती है वो बनाने का काम कर देती हूँ, बाकी रोटी तो नहाने के बाद ही सीखती हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि ब्रेकफास्ट बेशक से मैं कर लूँ बिना नहाए, लेकिन लंच का काम जो है मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, और बनाती भी मोस्टली नहाने के बाद ही हूँ। तो यहाँ पर जो है बाल ना, मतलब जब खुलते हैं ना तो इतना सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मियों में जो है बाल ऊपर फोल्ड ही हुए रहते हैं, और मुझे फोल्ड हुए बालों में ना थोड़ा दर्द सा होने लग जाता है। खींचते हैं बाल, मतलब दर्द भी नहीं होता, लेकिन एक अजीब सा टाइट टाइट सा फील होता है कि हाँ भाई सर एकदम से जकड़ा हुआ सा है। और जब बाल कुछ देर के लिए खुलते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, मुझे तो राहत मिलती है। और बाल ना, ये आप सोच रहे हो कि मेरे बालों में नीचे वालों में कैसे कर ले, तो वो ना ये गर्मियों में ही पड़ जाता है मेरे बालों में, क्योंकि बाल फोल्ड होते हैं ना ऊपर, एक तो रबड़ वाला पड़ जाता है निशान, और फिर उसके बाद मैं क्लेचर से फोल्ड करती हूँ इस तरह से, तो ये फोल्ड ही पड़ जाता है बालों में, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और बाल भी पूरे ड्राई ड्राई हो गए हैं। जब सर्द होते हैं ना, उसके एक ही दिन मेरे तो बाल चलते हैं, गर्मियों में अगले दिन ही मुझे ऐसा लगता है ऊपर के बाल तो पूरे तेल के हो जाते हैं और नीचे के बिल्कुल रुखे रुखे से हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और आज की वीडियो जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुकी थी, बिना नहाए धोए स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वेलकम मैं उस टाइम नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब तक मैं नहा धो नहीं लेती हूँ ना, पता नहीं क्यों, वैसे आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, देखो वीडियो में बना लेती हूँ लेकिन फिर भी फेस टू फेस मैं नहीं बात कर पाती। मुझे लगता है कि फटाफट अपना काम करके, छोटा भीम अभी नहीं आ रहा बेटा इस टाइम, कहाँ कौन सा छोटा भीम आ रहा है। चलो देखती हूँ, मैं चलाती हूँ, एक बार दो मिनट बात कर लूँ उसके बाद चलाती हूँ। और आज डेट है 24 जून, 25 जून आज मुझे याद भी नहीं है कौन सी डेट है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। डे है थर्सडे आज। और कल मैंने ना जो वीडियो डाला था ना, जिसमें ये बोल रहे थे कि खा पी के, मैं बोल देती हूँ कि इनको मज़ा नहीं आया, ये फट से ये बोल देते हैं खा पी के, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि हाँ सबके ही हस्बैंड ऐसे होते हैं, हमारे भी हस्बैंड ऐसे ही हैं, खाना खा के और लास्ट में बोलेंगे जब खा लेंगे तब मज़ा नहीं आया। वो पता है लास्ट में इसलिए बोलते हैं, अगर वो बीच में बोल देंगे तो हम ये नहीं कह देंगे उनको नहीं मज़ा आया, तो फिर रहने दो, मत खाओ ये चीज़, हम खा लेंगे, तो इसीलिए तो चला के दिखा देते हैं। और बिल्कुल लास्ट में जाके बोलते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं, जब बिल्कुल खा पी लेंगे ना उस टाइम मुझे बोलेंगे या खा तो लिया पर मज़ा सा ना आया। अब वो मुझे यूँ नहीं पता वो मज़ा कैसे आएगा, किस दिन आएगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं बना लेती हूँ, सब कुछ मैं बना के खिला देती हूँ, लेकिन मज़ा इनको कभी नहीं आता। ये क्या हो रहा है, बना हुआ है, अभी दे रही हूँ मैं अपने हैंड से खिला दूंगी, ठीक है? माँ के हैंड से खाएगा, ठीक है माँ के हैंड से खा लो। तो आज जो है निश्चय को मैं अपने हैंड से खाना खिलाने वाली थी, निश्चय से मैंने प्रॉमिस कर रखा था, लेकिन निश्चय भाई साहब कह रहे हैं नहीं मैं माँ के हैंड से खाऊंगा। किसके हैंड से खाओगे बताओ? माँ के हैंड से। आपको किसके हैंड से खाना सबसे अच्छा लगता है? मम्मा के हैंड से। फिर आप मम्मा के हैंड से क्यों नहीं खा रहे? मम्मा
मम्मा के आंसर कल खाऊंगा। अच्छा, इन सबको आपने हेलो बोला? आप वीडियो में आ गए, आपने हेलो नहीं बोला। नो बेटा, ये कपड़ा छोड़ो, सबको बोलो हेलो 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 हेलो, बाय 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 बाय। ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी तो कर लो इनसे, आई लव यू बोल दो सबको। चलो चलो चलो, जल्दी करो, बाय बाय, टेक केयर नहीं हो रही अभी। अच्छा, ढंग से बोलो, बाय बाय टेक केयर। तो इसके बाद जो है ना, मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि खाना बनाने का काम मेरा अभी हुआ नहीं था, बस बीच में आपसे बातें करने के लिए बैठ गई। तेल में जो है, मैंने अच्छे से गर्म होते ही जीरा हींग का तड़का लगा लिया है, और साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है, आधा चम्मच डाला है, क्योंकि गर्मियों में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं इसी वाली सब्ज़ी में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं आज प्याज का छोंक नहीं लगाऊंगी। इस वाली सब्ज़ी में प्याज मुझे थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं, डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती हूँ, कभी कभार जब प्याज लहसुन वगैरह का मन नहीं होता तो डाल देती हूँ। टमाटर जो है मैंने पिसे हुए डाल दिए इसमें, और आप सोच रहे होगे टमाटर जब भी मैं पीसती हूँ तो ये मोटे मोटे क्यों रहते हैं बीच में, ये रहते नहीं हैं, अक्सर मैं ये रखती हूँ, मुझे कहीं से मतलब बिल्कुल जो पतले वाला पेस्ट होता है ना वो नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल जो स्मूथ होता है वो नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर मसालों में मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और धनिया डाल के मिला के, और अब मैं दो तीन मसाले और डाल दूंगी, जिसमें है एक तो कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर के लिए डाल ही रही हूँ मैं, क्योंकि टमाटर जब रेड वाले आते हैं ना, जो ग्रेवी जिनकी अच्छी बनती है, तब नहीं डालती हूँ, वरना मैं डालती हूँ। और चना मसाला, और साथ ही साथ मैंने पुदीना पाउडर डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सूखा हुआ पुदीना छोले में भी डाला था और इसमें भी डाल दिया है, तीन चार दिन पहले जब छोले बनाए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि छोले वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम करके देखा था, लेकिन ये मुझे इतना टेस्टी लगा, जब आप मुंह में डालते हो ना तो एक ठंडक सी लगती है सब्जी में, कि हाँ बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है, अगर आप अच्छी सी क्वांटिटी में इसमें डाल दो तो लगभग पौना चम्मच के करीब, तो सच में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने आज चने में भी डाल दिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने जो होते हैं ना, काले छोले, वो वाली सब्जी। और फिर मैंने इसमें जो उबले हुए आलू हैं आज मैंने वो भी मैश करके नहीं डाले, क्योंकि ज़्यादा मैश करके डालने से ना सब्जी फिर गाढ़ी ग्रेवी की हो जाती है, और निश्चय के पापा को थोड़ी लिक्विड वाली जो ग्रेवी होती है ना वो पसंद आती है, मुझे गाढ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कहते हैं कि गर्मी में मुझे थोड़ी पानी पानी वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आलू जब भुन जाएंगे ना, आलू को भी थोड़ी देर मसाले में भून लूँगी, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तब मैं इसमें जो उबले हुए मेरे काले चने रखे हैं वो ऐड कर दूँगी। काले चने में ही मैं आलू उबाल लेती हूँ, शुरू में नहीं डालती हूँ, आधे उबाल के उनको जब बीच में खोलती हूँ ना कुकर, तब मैं मतलब तीन चार सीटी लगवा के बंद कर देती हूँ, फिर उस टाइम पर मैं आलू डालती हूँ, और कुछ देर मंदी गैस पर फिर से उनको उबलने के लिए रख देती हूँ नमक डाल के। तो यहाँ पर जो है अब सब्जी को अच्छी तरह से मिला दिया है, आप सब्जी का कलर ग्रेवी देख रहे हो, अब भी तो बहुत पतली है, खैर ये अगर आप इस टाइम पे पानी डालना चाहो, अगर आपको ऐसी रखनी है तो पानी डाल दो, वरना ये रखे 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 और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब इसको ढक्कन लगा करके छोड़ दिया है, और दूसरी साइड में मैंने ये ना जो किचन के अपने कपड़े होते हैं खाना वाना रखने के या जो भी, खैर ये तो मेरा खाना रखने का नहीं है, ये तो मेरा है पानी छानने का, ये जो किचन के जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे पानी छानने का हो या जो भी हो सफाई करने का हो, जो भी हो, मैं मशीन में कभी भी नहीं धोती हूँ, कभी भी मैं अलग से ही धोती हूँ, तो बस वहाँ यहाँ पर वही धुलने लग रहा है। तो साइड में मैंने ये रख दिया था कि जब तक मेरी सब्जी में खदका लगेगा, उबाल आएगा, तब तक मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि कल परसों टैंकर आया था, और टैंकर जब आता है तो उसके बाद मुझे ये कपड़ा धोना ही होता है अपना, क्योंकि उसमें मैं छान के ही पानी भरती हूँ सारा। और ये जो है सब्जी में खदका लग चुका है, और कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप सब्जी इतनी थोड़ी क्यों बनाते हो, तो मैं आपको बताती हूँ ये सब्जी थोड़ी नहीं होती है बिल्कुल भी, हम लोगों के लिए बहुत होती है, और सब्जी सच में बहुत है, बस ये कढ़ाई मेरी ज़्यादा बड़ी है। तो कहते हैं ना बड़े बर्तन बड़ा बर्तन है भाई, इसमें तो चीज़ दिखेगी भी नहीं, तो इस कढ़ाई का वो वाला हाल है कि आप लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन सब्जी खूब है ये। आप डोंगा देख रहे हो जो डिनर सेट के साथ आता है, वो डोंगा बिल्कुल ऊपर तक फुल भर चुका है, तो आप बताओ ये सब्जी कहाँ से कम है। तो कैसी लग रही है सब्जी आपको देखने में? अच्छी लग रही है ना, सिंपल से काले चने लेके और कितनी टेस्टी सब्जी बन गई है। आज का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत छोटा इसीलिए बनाया है, क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप छोटे व्लॉग देखना पसंद करते हैं या बड़े व्लॉग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर व्लॉग बड़ा होता है तो एवरेज ड्यूरेशन जो होता है आपके द्वारा दिया गया जो वॉच टाइम होता है वो बहुत कम आता है, तो आप बताइएगा ज़रूर। चला दिया मैंने तो चला दिया मैंने तो
और आज की इस वीडियो को मैं अब यहीं से एंड करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उन सब्सक्राइबर का नाम लूंगी जिनका कि आज मैं नाम लेने वाली हूँ अपनी वीडियो में, मतलब उनकी आईडी का नाम है ग्रेसी गुड़िया। तो उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था जिसके लिए मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ। उन्होंने स्पेशली बोला था कि नो बेटा मम्मा को लग जाएगा, आंख में लग जाएगी फिंगर, कि आप मेरी बेटी के लिए प्लीज सबको बोलना कि उनकी बेटी अभी ना 5 साल की हो जाएगी, शायद 2 अगस्त लिखा था उन्होंने या 2 जुलाई लिखा था, 5 साल की उनकी बेटी हो जाएगी। और उनकी बेटी, मतलब उन्होंने ये बोला था कि भगवान ने मेरी बेटी को सिर्फ रूप देके और भेज दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो अभी तक भी बेड पे ही रहती है, उसका सब कुछ बेड पे होता है। तो प्लीज़ आप भगवान से प्रे करना, आपके व्यूवर्स को बोलना कि उन उस बच्चे के लिए प्रे करें। तो मैं आप निश्चय नो बेटा, हर चीज़ मजाक में नहीं होती, नो अब की बार हाथ नहीं जाना चाहिए आपका वहाँ पे, मैं बोल रही हूँ लास्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करवाना, तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ कि उनकी बेटी के लिए प्लीज़ प्रे करना कि उनकी बच्ची भगवान जल्दी से ठीक कर दे। देखो भगवान ने जब इतनी क्यूट बेटी दी है उनको, तो भगवान करेगा, आप हिम्मत मत हारो, बिल्कुल आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ही मत लो। तो चलिए फिर यहीं से एंड कर देती हूँ आज की इस वीडियो को, और अब हम आपसे मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए व्यूवर जुड़ रहे हैं वो फोटो देख लो भाई, ये हम दोनों की फोटो लगी है, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी ना जब फोन टेढ़ा वेढ़ा हो रहा था, तो मुझे लगा चलो दिखाई देती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड। ओह बाल ठीक हो गए, बाल खड़े थे ना एकदम से ठीक हो गए भाई बाल। बाय 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 बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ऐसे बोल दो। आप बोल ले। मैंने बोल दिया, लव यू, लव यू, वेलकम, थैंक यू, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।